हेलो 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 आ भाई बोला बेटी चलो तुम्हार भैया याद कर रहे थे भैया याद किए हाँ। चलो आ मैं आपको ले चलो ठीक है चलो ले चलो करती है पहला और यही दुआ मुझे दीजिए और भला करे के भैया तू अभी तक स्कूल नहीं गई भैया कॉलेज जाने की तैयारी तो बना रखी थी रेखा लेकिन तुझे तो पता है कि माँ पिता का देहांत होने के बाद तुझे हमने अपने कलेजे से लगा के पाला है हाँ भैया लेकिन तू अभी तक स्कूल पढ़ने नहीं गई जा रही हूँ भैया मेरा दरबारी आवाज लगा दिया इसलिए आपके पास चले आई रेखा के भैया लेकिन अपनी गली जाना और अपनी गली आना अपने भाई दुर्जन के शान पे कभी दाग मत लगाना ठीक भैया जरी वरना जा बाय भैया दरबारी अब रेखा पढ़ने गई और मैं चलता हूँ सम्राट विज्ञान सिंह के राजभवन अब देखना कि विज्ञान सिंह के राज में श्री दुर्जन कैसा कोहराम मचाता है दुर्जन विज्ञान सिंह यह दुर्जन तेरे पास आ रहा है दुर्गारी जी हुजूर आज समय हो गया आराम करने के लिए हाँ। हम तो चाहते हैं कि थोड़ा तुम आराम कर लो और थोड़ा हम आराम कर ले क्योंकि भोर होते ही हमें बहुत से दान करने पड़ते हैं ओके महाराज जी आप आराम कीजिए मैं भी आराम कर लूंगा Thank you.
सामान का दोबारा हमको नहीं मिलेगा जी। जा मैं तुझे दे देता हूँ इस तरह उन्होंने कहा तो सही खंजर खाइस में जा। आइए आइए हमारे प्यारे पिताश्री आइए। तुझे क्या हो गया रे? आज तेरे सामने हमारी बहू हमारे गले में खंजर लगा के रखा है और तू हंस रहा है। तुझे क्या हो गया रे? अरे अरे सनिया, अरे हमको क्या हो गया रे? तुमको प्यार हो गया मेरी। आराम जदे कुत्ते साले रात भरी इसके बदल से शाही कोट और इसके सिर से मुकुटा जुटा लिया जाए। सारे परिवार को रात दरबार बुलाया था और एक बार मुझको सीने से नहीं लगाया और इस मेरे छोटे भाई को कैसे गले लगाया था? क्या मैं तेरा कोई संतान नहीं था? देख लो, ऐसे लगता था कि तुम कोई दूसरे के बच्चे हो। अरे तुम नगर, ये तो सब तेरे चाल नगर। हराम जाते हैं। अगर मुझे नागन बोला तो माँ कसम खाकर कहती हूँ ये खंजर तेरे सीने में। और बहुत है बेटा तू
नंबर दो जेल में डाल दे और आज के बाद कोई खाना पानी इसको नहीं दिया जाएगा। हमारे हुक्म के बिना से इसको कोई किसी तरह रोशनिया क्या। अरे हम कोनो बुरा तो नहीं कर रहे ना, जो कर रहे सब अच्छा ही कर रहे हो तेल लगा के। अरे देखने वालों हम कोनो बुरा तो नहीं किया, किया कसम काली माँ की, कसम काली माँ की, अगर कोई कहा कि किया तो कसम काली माँ की एक एक को काट के जमीन पर पटकना दूंगा। रोशनिया ओए हमारा काल हाथ नीचे करके बैठना, ये हमारा परिवार है, अगर हमारे परिवार के बीच में केहू दहर के नाती खसर फसर कीजना ओकरे मुंह में तल। रोशनिया हमारा काल एक समझ हुआ जी, आज के बाद यहाँ का महाराज मैं बनूंगा और यहाँ की महाराजा। आओ चलो चलते हैं। चलता हो आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे, आज जंगल की तरफ शिकार खेलने जाएंगे, जो कि काफी दिन हो गया हम किसी शेर शेर और चीते के शिकार नहीं करे। चलता हूँ। अरे वो जब याद आए बहुत याद आए विकास भैया सेमरा निवासी, उनकी तरफ से 10 रुपए और पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। हेलो, अरे सब कहे लाखी बहुते सुघर बारू, सब कहे लाखी बहुते सुघर बारू, तोरा लागे Hey,
भैया गोरे और गोविंद जहाँ कहीं भी हो अपने घर पहुंच जाओ, तुम्हारा चाचा इंतजार कर रहे थे 10 रुपए दे रहे। अरे रेखा, हाँ कहाँ जा रही हो? हम तो कॉलेज जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन आप? हम आज जंगल की तरफ जा रहे हैं। जंगल की तरफ? जो कि जब तक हम शेर और चीते के शिकार नहीं कर लेते रेखा, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, आज मैं भी कॉलेज नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ जंगल की तरफ चलूंगी। हमारे साथ? और क्या? और वहाँ क्या करोगी? आपके साथ घूमूंगी और क्या करूंगी। अरे देखिए वो घूमने की जगह नहीं है, अरे वहाँ बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं, न जाने किस वक्त किसके ऊपर वार कर जाए, वहाँ हर लोग रह जाते। अरे तुम्हारे रहते हुए मुझे किस चीज का डर है? और हाँ, आज कई दिनों के बाद बाहर मिले हैं। जब कॉलेज में रहते थे तो एक दूसरे को देख लेते थे, लेकिन आज बहुत अच्छा मौका है, आज तो आपसे जी भर के प्यार भरी बातें करूंगी। जी भर के प्यार भरी बातें? हाँ। प्यार भरी बातें क्या है? प्यार भरी बातें नहीं जानते हो? हमें नहीं मालूम देखा। सच में? सच में? अच्छा तो मेरे पास आओ, मैं बताती हूँ कि प्यार भरी बातें होती क्या है। तुम्हारे पास? और क्या? अरे जो बोलना है बोलो, हमें सुनाई देता है। अरे कानों पे बताऊंगी, अगर आते जाते कोई आदमी सुन लिया तो बेकार होगा। अच्छा इसको मैं धीरे से बोलूंगी। हाँ सामने देखो, कानों पे बताऊंगी। समझ गया हो? बहुत बेशर्म लड़की हो। बेशर्म हो? और क्या? अरे इसमें प्यार करने की